आईपीएल 2021 के ऑक्शन की डेट काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में सभी टीमें जबरदस्त तैयारियों पे लगी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दरअसल दोस्तों सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि इन दोनों ही टीमों के बीच में बहुत ही बड़ा ट्रेड हुआ है, जहाँ पर ये दोनों ही टीमें कई बड़े प्लेयर्स को एक्सचेंज की हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स में गया है और कौन कौन सा प्लेयर आरसीबी में आया है। दोस्तों इस ट्रेड से आरसीबी को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ट्रेड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के एक बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इसी तरह से रिलेटेड डेली इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए अब सीरियल वाइज से जो जो प्लेयर ट्रेड हुए उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लेयर के बारे में। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस बार अपने टीम से मोइन अली को रिलीज करने वाली थी और ऐसे में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऑलरेडी उनको ट्रेड पे रख दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का यह कहना है कि जो भी इनको ट्रेड करना चाहती है टीम आके प्लेयर एक्सचेंज कर सकते हैं और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स अपने हाथ खड़े किए हैं, यानी दोस्तों अब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है इन दोनों टीमों के बीच में। एंड दोस्तों मोइन अली अब दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे एंड दोस्तों मोइन अली के जगह पे मार्कस स्टोइनिस की रिप्लेसमेंट होने वाली है, यानी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम मार्कस स्टोइनिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को देगी एंड आरसीबी की टीम मोइन अली को दिल्ली कैपिटल्स को देगी। और ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी ट्रेड हो रही है, ऐसा नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स को घाटा हुआ, बल्कि दोस्तों मोइन अली भी एक बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर हैं। बट दोस्तों फर्क इतना कि मोइन अली का फॉर्म कुछ ज्यादा खास नहीं था आईपीएल 2020 में एंड मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म बेहद अच्छा था। और ऐसे में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस आरसीबी में आए हैं एंड मोइन अली दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे। दोस्तों आपके हिसाब से यह ट्रेड आरसीबी के लिए सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बड़े ट्रेड के बारे में। दरअसल दोस्तों यह ट्रेड दिल्ली कैपिटल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ है, जहां पर दोस्तों एक समस्या निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रविचंद्रन अश्विन को अपने टीम में लाना चाहती है, लेकिन दोस्तों जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम वाशिंगटन सुंदर को अपने टीम में लाना चाहती है। यानी दोस्तों जब दोनों टीमें आपस में कंप्रोमाइज की तो वहां पर डीसी का कहना है कि अगर आप मुझको वाशिंगटन सुंदर को देते हैं तभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम अश्विन को आरसीबी को देगी। और ऐसे में दोस्तों टीम आरसीबी काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, टीम आरसीबी वाशिंगटन सुंदर को भी नहीं दे सकती बट दोस्तों अश्विन को अपने टीम में लाना चाहती है। और इसलिए दोस्तों अभी यह कंफर्म नहीं हुआ मेरे हिसाब से, बल्कि अश्विन को ना ही लाए। वाशिंगटन सुंदर काफी अच्छा गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में। दोस्तों आपके हिसाब से अश्विन को लाकर वाशिंगटन सुंदर को डीसी को दे देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यह भी बताइएगा कि अगर ये ट्रेड होता है तो किस टीम को ज्यादा फायदा होगा, दिल्ली कैपिटल्स को या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। दोस्तों चलिए अब तीसरे एंड लास्ट ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ईशान शर्मा को अपने टीम से रिलीज करना चाहती है और ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनको ट्रेड पे रख दी है। डीसी का कहना है कि जो भी टीम किसी प्लेयर को देकर इनको एक्सचेंज करना चाहती है वो आके बता दे। और ऐसे में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हाथ खड़े किए हैं। दरअसल अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरे विस्तार से बताऊं तो दोस्तों आरसीबी की टीम पवन नेगी को भी अपने टीम से रिलीज करना चाहती है और ऐसे में दोस्तों आरसीबी ऑलरेडी उनको ट्रेड पे रख चुकी है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स से बात करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स कह रही है कि अगर पवन नेगी को आप देते हैं तो मैं ईशान शर्मा को आपकी टीम में सेंड कर दूंगा, यानी दोस्तों यह डीलिंग अप्रोच कंफर्म हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों अगर पवन नेगी दिल्ली कैपिटल्स में जाते हैं और ईशान शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में आते हैं तो आप बताइएगा कि किस टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हालांकि दोस्तों पवन नेगी बहुत अच्छे बॉलर हैं, ईशान शर्मा बहुत अच्छे बॉलर हैं, फर्क बस इतना है कि ईशान शर्मा फास्टर गेंदबाज हैं
और पवन नेगी स्पिनर गेंदबाज हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का आईपीएल इंडिया में होने वाला है, तो दोस्तों स्पिनर के लिए उतना ज़्यादा सही रहेगा नहीं, लेकिन दोस्तों आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से इसमें से कौन कौन सा ट्रेड अगर होगा तो आरसीबी के लिए सही रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पहला ट्रेड अप्रॉक्स कन्फर्म हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।